वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी जी, मेरा नाम है अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 12 अपकमिंग कार्स की जो इस साल भारत में लॉन्च होने वाली है और जानेंगे उनकी डिटेल्स के बारे में। पिछले दो सालों के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी SUVs लॉन्च हुई है, जैसे कि जीप कंपस, निसान किक्स, हैरियर, XUV 3W, MG हेक्टर, किया सेल्टोस और भी काफ़ी सारी। और इस साल भी यहाँ पर काफ़ी सारी SUVs लॉन्च होने वाली है और इस साल SUV सेगमेंट के सबसे बड़े लॉन्च की शुरुआत करेगी ह्यूंडई कंपनी अपनी न्यू क्रेटा से। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। फ्रंट डिज़ाइन पहले से बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगी। पहले जहाँ थोड़ी मस्कुलर लगती थी वहीं अब आपको ये थोड़ी स्लीक लगेगी। हेडलाइट्स की डिज़ाइन में भी कम्प्लीट चेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें LED DRLs मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। फॉग लाइट्स में भी चेंज किया गया है और साथ ही साथ पूरा फ्रंट बम्पर भी चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको कैस्केडिंग ग्रिल देखने को मिलेगी और जहां तक लॉन्च की बात है तो ये मार्च मिड के अंदर लॉन्च हो जाएगी। जो दूसरी कार है वो है फॉक्सवैगन की T-Roc। क्रेटा के लॉन्च के नेक्स्ट डे ही फॉक्सवैगन लॉन्च करेगा T-Roc SUV, जिससे फॉक्सवैगन 2.0 स्ट्रेटजी की शुरुआत करेगा। इसे CBU के तौर पर ही इम्पोर्ट किया जाएगा जो सेल्टोस पेट्रोल GT लाइन के टॉप वेरिएंट को राइवल करेगी। प्राइस की जहां तक बात है तो 19 से 20 लाख तक इसकी प्राइस हो सकती है। जो तीसरी कार है वो है स्कोडा की कैरोक। फॉक्सवैगन की जो टिग्वान आती है उसी सेम डायमेंशन की ये गाड़ी है और उसी को ये राइवल करने वाली है। फ्रंट से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी दिखने वाली इसमें हेडलाइट्स आपको मिलती है। स्कोडा की जो सिग्नेचर ग्रिल है वही इसमें भी मिलती है। रियर की बात करें तो काफ़ी सुंदर दिखने वाली आपको टेल लाइट्स मिलेगी और बूट पर आपको स्कोडा की बैजिंग भी मिलती है। अब इंटीरियर की बात करो तो इसके अंदर आपको फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल मिलेगा। स्टेयरिंग के ऊपर लेदर रैप किया गया है। डैशबोर्ड के अंदर आपको ब्लैक एंड बेज दोनों कलर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। देखने में ये काफ़ी प्रीमियम लगती है। जो हमारी लिस्ट में फोर्थ गाड़ी है वो है किया की सोनेट। 2020 ऑटो एक्सपो के अंदर किया ने सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV का एक कॉन्सेप्ट दिखाया था, जिसे सोनेट के नेम से लॉन्च किया जाना है इंडिया में, जो कि वेन्यू वाले ही सेम प्लेटफॉर्म पर बनेगी। हालांकि जो डिज़ाइन होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी और इसके राइवल्स होंगे ह्यूंडई वेन्यू, मारुति की विटारा ब्रेजा और महिंद्रा XUV 3W और टाटा नेक्सॉन। डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छी दिखती है। हेडलाइट्स भी काफ़ी अच्छी लगती है, उसी में DRLs भी दी गई है और ग्रिल का डिज़ाइन भी बाकी किया कार जैसा ही है। जहां तक प्राइस की बात है तो ये 7 से 11 लाख तक हो सकती है और इसका लॉन्च फेस्टिव सीजन में हो सकता है। जो फिफ्थ कार है वो है ऑल न्यू जनरेशन होंडा सिटी। होंडा कंपनी फिफ्थ जनरेशन सिटी मार्च 16 को शोकेस करने वाली है और ये सेम 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ही आएगी, जो BS6 कंप्लाइंट होगा और साथ ही साथ आपको इसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। जो सिक्स्थ कार है वो है टाटा की ग्रेविटास। टाटा ग्रेविटास है वो टाटा का ही 6 सीटर वर्जन है। फ्रंट फेशिया और व्हील बेस है वो हैरियर जितना ही होगा। फ्रंट से देखेंगे तो ग्रिल में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ग्रे का इस्तेमाल किया है क्रोम के साथ में। DRLs और फोग लाइट सेम हैरियर जैसी ही देखने को मिलेगी। जो चेंज दिखेगा वो दिखेगा साइड से। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन में भी चेंज देखने को मिलेगा। साइड में देखेंगे जो रूफ रेल्स है वो डी पिलर तक जाती है। अगर आप इसे हैरियर से कंपेयर करेंगे तो थर्ड रो की वजह से ये काफ़ी बड़ी दिखने वाली है। रियर से देखेंगे तो सेम हैरियर जैसा ही दिखाई देगा। लास्ट रो की बात करें तो इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि लेग रूम इसमें थोड़ा कम मिलेगा पर आपको हेडरूम अच्छा खासा मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। जो कलर है उसे चेंज किया गया है पर आपको सनरूफ ये गाड़ी ऑफर नहीं करेगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको सेम वही हैरियर वाला ही देखने को मिलेगा। प्राइस की जहां तक बात है तो ये 15 से 22 लाख तक हो सकती है। हमारी लिस्ट में जो 7th नंबर पे है वो है महिंद्रा की थार। महिंद्रा थार का न्यू जनरेशन मॉडल भी इसी साल आने वाला है। इसके साथ BS कंप्लाइंट 2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन देखने को मिल सकता है। थार का जो कैबिन होगा वो भी पहले से अप मार्केट होगा। इसका लॉन्च जून में हो सकता है। जहां तक प्राइस की बात है तो BS4 थार से ये 1 लाख रुपए ज़्यादा हो सकती है। अब हमारी लिस्ट में जो 8th कार है वो है महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो। जस्ट लाइक दैट स्कॉर्पियो का भी न्यू जनरेशन मॉडल हमें इस साल देखने को मिलेगा और थार की तरह सेम पावर ट्रेन देखने को मिल सकती है, 2 लीटर डीजल और पेट्रोल इंजन। और पहले वाली स्कॉर्पियो से डिज़ाइन भी आपको देखने को अलग मिल सकती है। इसका लॉन्च भी जून में होने की संभावना है। जहां तक प्राइस की बात है तो वो BS4 वाली गाड़ी से 1 लाख रुपए ज़्यादा हो सकती है। हमारी लिस्ट के अंदर जो नवी कार है वो है महिंद्रा की XUV 5W। इसी साल हमें महिंद्रा XUV 5W का 2nd जनरेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसी उम्मीद थी पर 2020 ऑटो एक्सपो में इसको नहीं दिखाया गया और इसका लॉन्च हमें फेस्टिव सीजन में देखने को मिल सकता है। जो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे है वो है सिथुएन की C5 एयरक्रॉस। इसी साल फ्रेंच कार मेकर सिथुएन भी इंडिया में आने के लिए रेडी है और उनकी जो पहली कार होगी वो होगी C5 एयरक्रॉस।
ये पेट्रोल और डीजल दोनों पावर ट्रेन में अवेलेबल होगी। जहां तक फीचर्स की बात है, इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और साथ ही पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल सकती है। इसमें आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। प्राइस की जहां तक बात है तो ये 18-20 लाख स्टार्टिंग हो सकती है। और जो इसके राइवल्स होंगे वो जीप कंपस, एमजी हेक्टर और टाटा हैरियर। और जहां तक इसके लॉन्च की बात है तो ये अगस्त के अंदर लॉन्च हो सकती है। हमारी लिस्ट में जो 11वें नंबर पे है वो टाटा की हॉर्नबिल या HBX। 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा ने HBX कॉन्सेप्ट दिखाया था, जो इंडिया में हॉर्नबिल के नाम से लॉन्च की जा सकती है। ये इंडियन मार्केट में राइवल करेगा मारुति इग्निस और KUV100 से। फ्रंट से देखेंगे तो हैरियर की तरह ही अपर DRLs देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को नीचे लगाया गया है। साइड से देखेंगे तो विंडो ग्लास एरिया काफी बड़ा दिखाई देता है। स्लोपिंग रूफ लाइन देखने को मिलती है, साथ ही सी पिलर के ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलेगा। रियर की बात करें तो टेल लाइट्स की डिजाइन काफी सुंदर लगती है, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी स्टाइलिश है। डोर हैंडल्स भी सी पिलर पर ही लगाए गए हैं। केबिन की बात करें तो रियर सीट में आर्मरेस्ट मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। इंटीरियर है वो H2X जो कॉन्सेप्ट आया था टाटा का, उसी से आपको इंस्पायर्ड मिलेगा। रेक्टेंगुलर AC वेंट्स देखने को इसके अंदर आपको मिलेंगे और जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी फ्लैट बॉटम मिलेगा। जहां तक इंजन की बात है तो आपको इसके अंदर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 85 HP और 114 NM का टॉर्क निकालता है। प्राइस की जहां तक बात है तो वो 6-7 लाख हो सकती है और इसका लॉन्च फेस्टिव सीजन के अंदर हो सकता है। जो आखिरी कार हमारी लिस्ट के अंदर है वो है मारुति सुजुकी की न्यू जनरेशन सिलेरियो। जब से सिलेरियो इंडियन मार्केट में आई है, इसे न्यू जनरेशन अपडेट अभी तक नहीं मिला है, पर इस साल मारुति सुजुकी इसका अपडेट न्यू जनरेशन मॉडल लेकर आ सकती है और इसे इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। इसको पावर करेगा 1.2 लीटर K12B पेट्रोल इंजन, जो वैगनार, स्विफ्ट और डिजायर में भी आता है। तो ये थी टॉप 12 अपकमिंग कार्स की लिस्ट जो इस साल भारत में लॉन्च हो सकती है। आप किस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।